नमस्कार, मैं जनता की आवाज़ और इस वक्त की बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए। और हम आपको बता दें, कहीं ना कहीं जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है उसको बड़े जोरों शोरों से मनाया जा रहा है, और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो महिला है वो किस तरह से जो है दर बदर भटकती हुई नज़र आती है, और यहाँ पर जो महिला है वो रोते बिलखते नज़र आ रही है। और हम आपको बता दें कि ये हम आपको क्यों दिखा रहे हैं वो भी हम आपको जल्द बताएंगे। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। कहीं ना कहीं इनका आरोप है कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया है, और जो पति है वो अब इनके साथ नहीं है, जो पति है वो गुजर चुके हैं, इस दुनिया से जा चुके हैं। और आप देख सकते हैं छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं जिनके सर से पिता का साया उठ चुका है, अब पिता इनके साथ नहीं है, छोटे छोटे बच्चों के साथ। और महिला है रोते बिलखते हुए जिला सचिवालय में पहुंची है, एसपी से गुहार लगा रही है कि मुझे इंसाफ चाहिए, और इनसे हमने बातचीत भी करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। जी मैम, क्या नाम है आपका? रेखा। तो मैम, जैसे कि आप बता रहे हो कि आपका आपके पति गुजर गए थे, तो कब से आप घर से बाहर निकले? मेरे को 7 महीने हो गए, मैं 1 साल मरने के बाद 1 साल के बाद निकले थे। मेरे को कर्जे वाले बहुत तंग करने लगे थे, मेरा घर का सामान भी उठा लिया था। मेरे घर में सीटीसी कैमरा लगा, उसमें भी चेक कर लेना, मैं झूठ नहीं बोलते मैम। मैं जब घर से निकल गया, दोबारा मैंने कर्जा दे दिया सर, तो वो कहते मैं नहीं हिस्सा दूंगी, मैं घर में नहीं घुसने दूंगी। मैं 17 तारीख को मैंने ताला तोड़ा जाए तो कह रहे अब सदर चौकी में कंप्लेंट दे रखी है, कह रहे मेरा मेरे मकान पे हक जनाती है। तो महिला थाना में कंप्लेन किया? हाँ जी करिए, कोई सुनवाई नहीं मेरी हो रही वहाँ। तो से महिला थाना वालों ने क्या कहा आपको? कुछ नहीं कही है, कुछ भी नहीं कही है मेरे से, कह रहे कोर्ट में धार दो। वो देवर कहता मैंने अपने नाय करा लिया, कुछ नहीं हो सकता है। अब कहाँ पे रह रहे हो? मैं इधर निर्बल कुटिया में, इधर उधर धक्के खाते हैं बच्चों को लेकर, देखो मेरे बच्चे कैसे कैसे फिर रहे हैं। जो पति है उनकी मौत डेथ कैसे हुई थी? फांसी लगा रखी तुमने मैम। कुछ नशा वगैरह करते? हाँ, नशे करते थे, दारू पीते थे। उसी के चलते कर्जा भी बहुत ज्यादा हो गया? बहुत ज्यादा कर्जा हो गया तो उसके चक्कर हमारा सामान उठने लगा था। मेरे घर में सीटीसी कैमरा है, उसमें चेक कर लेना। तो जो है आपका जो है दिहाड़ी मजदूरी करके कर्जा उतार चुके हो? हाँ, मैंने कर्जा उतार दिया, थोड़ा रह गया, मैं थोड़ा अपने कमाऊंगी रहूंगी दे दूंगी। कहाँ कहाँ कंप्लेन दे चुके हो? मैंने सदर चौकी में दे रखा, महिला थाने में दे रखा, मैंने यहाँ पे भी आई है पहली बार। शादी कब हुई थी आपकी? मैम पढ़े लिखे नहीं, मेरा इतना जब पता है कि मेरी 14 साल है, 14वीं लग रही है शादी के। हाँ जी। तो आज एसपी से मिलने को? हाँ जी, एसपी से मैं यही गुहार करते हैं कि मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चे कहाँ बट गएंगे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। जो आपने थाने में कंप्लेन की थी उसकी कोई FIR की कॉपी है? तो यहाँ पर जो महिला है वो आपको रोते बिलखते नजर आएंगी, और ये देखिए किस तरह से जो है ये FIR की कॉपी दिखा रही है। कब की थी मैम आपने? तो मैं पढ़े लिखे नहीं है मैम। जो ये FIR की कॉपी की ये स्लिप दिखा रही है और तमाम डॉक्यूमेंट्स है वो भी ये ले रही है, कहीं ना कहीं फैमिली ID भी इनके पास है, पति का डेथ सर्टिफिकेट भी इनके पास है, और भी अन्य डॉक्यूमेंट्स है, राशन कार्ड भी ये ले रही है, और बता रही है कि जो मेरे ससुराल पक्ष है वो ससुराल वाले है वो घर में घुसने नहीं देते कहीं ना कहीं। ससुराल में कौन कौन है मैम? देवर, दो देवर हैं, एक जेठ हैं। सास? सास नहीं है, सास अपनी मर्जी से निकल गई थी। सास नहीं है? नहीं है। तो जब आप घर में जाते हैं तो क्या कहते हैं? कह रहे मैं नहीं घुसने दूंगी। आपकी शादी कैसे हुई थी? लव मैरिज? नहीं, लव मैरिज नहीं, शादी होके आई थी। कहाँ के हो आप? मैं भरतनाट्य आवास है, कानपुर में। हाँ जी, कानपुर से आपकी शादी हुई थी। हाँ, रहते कहाँ पे हो? मैं शिवाजी कॉलोनी में रहते हैं, शिवाजी कॉलोनी। हाँ, हाँ जी। तो आप देख सकते हैं कि जो एक महिला है जिला सचिवालय में SP से मांग कर रही है, गुहार लगा रही है कि मुझे इंसाफ दिया जाए, और कहीं ना कहीं घर से बेघर हो गई है, और छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं जो सड़कों पर है, कहीं ना कहीं ना खाने के लिए दाना है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या स्थिति होगी। और बताया जा रहा है कि 1 महीने से है महिला थाने भी पहुँचती है, सिटी थाने भी जाती है, लेकिन कहीं कोई कार्यवाही नहीं होती है, जिसके चलते आज जो है SP से गुहार लगा रही है कि कहीं ना कहीं मुझे इंसाफ मिले, कहीं कहीं मुझे रहने के लिए थोड़ी सी जगह मिल जाए। तो आप महिला देख सकते हैं रोते बिलखते आपको नजर आ रही है। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल से बने रहिए। इसी के साथ मैं जनता की आवाज़, जय हिंद जय भारत।